हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हमारे चैनल आर्ट ऑफ सीजर यूनिसेक्स सैलून बाय कदीर में। सो गाइस, आज मैं आपको लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया कंटेंट। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं हेयर हाइलाइटिंग। सो गाइस, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा हेयर हाइलाइटिंग कैसे करते हैं, क्या तरीका है, क्या सही तरीका है, मैं आपको बताऊंगा आज हमारी वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, बने रहिएगा हमारी वीडियो में लास्ट तक। सो गाइस, हेयर हाइलाइटिंग करने से पहले हमने कर लिया है क्लाइंट का हेड वॉश, आपको भी हेड वॉश कर लेना है। वट एवर मैटर नहीं करता कि शैम्पू कौन सा हो, कोई भी शैम्पू आपके पास हो, उस शैम्पू से आप क्लाइंट का हेड वॉश कर लेंगे हाइलाइटिंग करने से पहले। हेड वॉश करने के बाद हमें ब्लू ड्रायर से हेयर को ड्रायर कर लेना है और 100% बालों को सुखा लेना है। बालों को सुखाने के बाद उसके बाद हमें सेक्शनिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको एवरी वीडियो में बताता हूँ। सो हम क्राउन एरिया के पार्ट पर ही हेयर हाइलाइटिंग कर रहे हैं, फुल हेयर पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे क्राउन एरिया पे ही कलर कराना है। क्राउन एरिया मतलब कि जो अपर वाला हेड होता है उसको हम क्राउन एरिया बोलते हैं। क्राउन एरिया के बाल मैंने ले लिए थे, उसमें से मैं थोड़े थोड़े सेक्शनिंग ले रहा हूँ, मतलब कि थोड़े थोड़े बाल ले रहा हूँ। थोड़े बाल लेने के बाद उनको साइड में कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से थोड़े सा पार्टीशन लिया हेयर का। उसके बाद मैं उनमें से zigzag करके टेलकॉम से थोड़े थोड़े बारीक बारीक हेयर निकाल रहा हूँ। हेयर निकालने के बाद मैंने फॉल पेपर ले लिया। फॉल पेपर को हेयर के नीचे रखने के बाद उसके बाद मैं हेयर कलर लगा रहा हूँ। कलर लगाने के बाद मैंने फॉल पेपर को कवर कर दूंगा ताकि मेरा कलर एक्स्ट्रा कहीं पे हेयर पे ना लगे। सो गाइस, इसी तरीके से एवरी स्टेप हमें फॉलो करना है। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ, सेम मुझे अदर सेक्शन पे भी वही करना है। zigzag करके मुझे सेक्शनिंग निकालनी है। सेक्शनिंग निकालने के बाद फॉल पेपर रखना है। फॉल पेपर रखने के बाद दोबारा से मैं उसको कवर कर देता हूँ एवरी सेक्शन। गाइज, इसी तरीके से मुझे इसी तरीके से हमें फॉलो करना है। एंड प्रोडक्ट मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने वेला का ब्लोंडर ले लिया है, एंड उसके अंदर मैंने लॉरियल का 30 वॉल्यूम डेवलपर ले लिया है। डेवलपर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, चाहे वो लॉरियल का हो, चाहे वो स्टिक्स का हो, चाहे वो मैट्रिक्स का हो। सेम ब्लोंडर भी आपको जो बेस्ट लगे, ब्लोंडर में भी आप किसी भी क्वालिटी का ले लीजिए, बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उससे आपका बाल रफ ना हो। तो गाइज, मैंने वेला का ब्लोंडर ले लिया है और उसको मिक्स मैच किया है। मिक्स मैच करने के बाद उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, एंड इसका जो शेड आने वाला है वो आने वाला है कॉपर गोल्ड ब्लोंड। सो गाइज, इस तरीके का आपका कलर आने वाला है। देखिए आप, वॉश के बाद बहुत ही अच्छा कलर आने वाला है। सो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड बने रहे हमारी वीडियो के साथ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सो गाइज, वॉश कर लिया, वॉश के बाद ड्राई किया है, देखिए फाइनल लुक कैसा आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, बाय बाय।